वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। और अभी हमने अपना नॉर्मल जो हम चाय वगैरह पीते हैं वो पी लिया और अब नाश्ते की तैयारी हो रही है। ये दूध और मखाना तो एज यूजुअल हमेशा की तरह बन के रेडी है। और अब हाँ, आज हम दो नाश्ता बनाने वाले, एक तो हाँ हमेशा बनाते हैं बट फिर भी आज जो बना रहे हैं सेवई जो होती है, हम सेवई खाते हैं मीठी वाली, उसको नमकीन तरीके से भी बना सकते हैं जैसे पोहा स्टाइल में। तो हम एक वो वेजीज डाल के जो मम्मी के लिए भी काफ़ी हेल्दी रहेगा, और दूसरा मैं ये बना रही हूँ, एकदम क्विक डोसा बना रही हूँ। इसमें मैंने सिर्फ समझ लो एक कटोरी चावल का आटा और चार चम्मच सूजी लिए, और उसको देखिए एकदम पतला मैंने, ये देखो एकदम ऐसे पतला ना घोल के रख दिया। ये मैंने पहले क्यों घोल दिया, क्योंकि तब तक सब्जियाँ कट रही हैं तब तक ये हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा और फिर मुझे पानी लगेगा तो मैं ऐड कर दूँगी। तो इससे हम लोग आज बनाएंगे डोसा और बाकी सब्जियाँ कटने के बाद, और चटनी भी बनाएंगे एकदम क्विक चटनी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं डोसे के साथ। ये देखिए हमने ना क्या किया था, वो जो बैटर बना के रखा था ना उसमें जितनी भी वेजेस हमारे घर में थी, शिमला मिर्च, कांदा, टमाटर, बीट रूट सब कुछ डाल दिया, गाजर वगैरह। आपके भी घर में जो भी वो सारी वेजेस एकदम बारीक करके डाल दीजिए, और एकदम पतला देखिए ऐसा एकदम पतला बैटर एकदम पानी जैसा बना के, और तवा एकदम गर्म हो, उसको ऑयल घी कुछ भी मत लगाना, एकदम गर्म हो बस ये डाल देना है। और अब ये पक जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं। और ये देखो मम्मी कड़ी पत्ता ले आई हमारे झाड़ में से, चटनी बनाएंगे ना उसमें यूज़ होगा कड़ी पत्ता। ये हमारा डोसा, हमने इसको पलट दिया और अब ये ऑलमोस्ट एकदम रेडी हो गया, हो ही गया। और ये हमने रख दिया उसको साइड में, देखो कितना क्रिस्पी बना है। और हम यहाँ पे चटनी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें हम चने की दाल और शिंगदाना भून लेंगे। अब चने को हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे सूखी मिर्ची और कड़ी पत्ता। अब ये हमने सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डाल लिया और इसको अब 2 मिनट भूनेंगे। और शिंगदाना हमारे पास ना पहले से भुना हुआ रखा था, तो अभी इन सबको हम लोग पीस लेंगे। तो ये हमने भूनने के बाद अभी ठंडा होने को रख दिया है, हमारी चटनी हमने पीस ली है। और अब इसमें हम लगाएंगे तड़का, राई और कड़ी पत्ता और मिर्ची बस। और पापा क्या कह रहे हैं कि कौन नहीं जानता तड़का लगाना। चाहिए तो मिक्स कर सकते हैं पानी। हाँ ये देखो हमने तड़का लगा दिया है, और इसमें ना हल्का सा नींबू भी डाल दिया है नमक के साथ कि थोड़ा सा खटास आ जाए। आज हम सुबह किसी काम से गए हुए थे, सभी लोग गए थे, ये भी गई थी, तो इसीलिए आज इसने भी कैमरा नहीं उठाया। और अभी जस्ट हम लोग 10 मिनट पहले घर आए, और अब हम एज यूजुअल घर आते ही हमारे खाने की तैयारी हो गई। हमने बताया था हम बाहर ज़्यादा खाना खाते नहीं हैं, तो फिर अभी देखिए ये बन रही है कांदा भजिया की तैयारी, महाराष्ट्रियन पकौड़े टाइप डिश। तो आप देखिए वहाँ पे आलू भी कट चुका है, प्याज कट चुकी है, उसमें बेसन मसाला सब मिक्स हो चुका है, और यहाँ पे तेल गर्म हो रहा है। तो बेसिकली आज हमारी डिश है चावल दाल और कांदा भजिया विद टमाटर की चटनी और विद टमाटर धनिया की चटनी। तो हम लोग का ये एक पार्सल आया है, और ये पार्सल गिफ्ट है, तो मैं दिखाती हूँ इसमें क्या है, हम लोग ने भी नहीं देखा है अभी तक ओपन करके। तो ये एक फोटो एल्बम है 20 पेजेस का, तो ये छोटा सा ना जैसे होता है ना एल्बम पूरी, तो ये हमारी शादी को 1 साल हो गया, तो पूरे 1 साल के जो बेस्ट मोमेंट है वो 20 पिक हमने लिए। ये कवर पिक है जो कि हमारे रिसेप्शन का है, और ये पहली बार जब ये मुझे देखने आए थे उस टाइम का है। ये पूरी मेरी फैमिली और ये दीदी ननंद मेरी, और ये फोटो है जब ये लोग शादी करने के लिए आने वाले थे मुंबई एयरपोर्ट पे बैठे थे सब लोग पूरे बाराती।
और ये हमारे शादी के दिन की फोटो, और ये जब इस सिंदूर दान किया था तब, ये 13 फेब की, 12 फेब को हमारी शादी हुई थी, 13 फेब को जब मैं आई थी, विदाई हुई थी मेरी। और ये मेरा ऊपर का कमरा, ये मैंने आपको जब भी होम टूर कराया था ना तभी भी ये कमरा दिखाया था। तो देखो ऐसे डेकोरेट हुआ था, बहुत सुंदर डेकोरेट हुआ था। और ये जब मुझसे मेरे रिसेप्शन के लिए मेरी बहनें आई थी मुंबई से, तो उसके बाद हम अयोध्या गए थे घूमने, तो उस टाइम पे ढाबे पे पूरी फैमिली हम सब ने मैगी और चाट खाई थी। और ये है, ये मम्मी पापा और मेरे बगल के जो मैं तिवारी अंकल आंटी नहीं बोलती, वो सब, हम सब गए थे लखनऊ में चंद्रिका देवी ना एक मंदिर है देवी माता का, वहाँ पे गए थे पहली बार हम मंदिर गए थे साथ में। और ये जब हम लोग हनीमून पे मनाली गए थे तब ये ऐसा रूम डेकोरेट किया था इन्होंने, सरप्राइज दिया था। और ये कौन सा प्लेस था, ये मनाली का ही था ना, टनल के पास का, ये वहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी तो तब का। और ये हिडम्बा वहाँ पे मंदिर है ना, तो वहाँ पे हमने ये कॉस्ट्यूम लिया था और उस पर फोटोशूट किया था, तो ये उस टाइम का है। और ये वाला ना यहाँ पर लखनऊ में जैसे हमारा बैंड स्टैंड वगैरह है ना, तो वैसे यहाँ पर भी है, बनाया है नदी के किनारे, तो वहाँ पे दीदी, ये इनकी दीदी और ये जीजा जी और ये हमारा भांजा, तो हम सब गए थे घूमने, तो ये वहाँ की तस्वीर है। और ये हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी, मतलब 1 मंथ पूरा हुआ था ना तब हमने केक वगैरह काटा था, तो पूरी फैमिली और वो बगल वाले अंकल आंटी सब थे। और ये हम लुलू मॉल गए थे, और ये हम गए थे बनारस, तो वहाँ पे बनारस के घाट का ये फोटो है। और ये हम महादेवा मंदिर गए थे, और ये हम मेहर गए थे, और ये हमारा चित्रकूट में ना राम घाट, चित्रकूट में आप कभी भी जाओ ना राम घाट पे जरूर जाओ, क्योंकि वहाँ पे जो बोट होती ना वहाँ पे इतनी सुंदर सजाई होती है, वैसी बोट आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और ये इन्होंने मुझे सरप्राइज डेट पे लेके गए थे, कोई भी ओकेजन नहीं, खंडाला में ही ये सरप्राइज दिया था, बहुत अच्छा प्लेस था ये। और ये हमारी दिवाली, पहली दिवाली, मम्मी पापा और हम दोनों, ये, और ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी जो अब भी होके गई 12 तारीख की। अच्छा तो तू जो जो फोटो चुन के दे, हाँ उसमें से 20 फोटो देना था, एक साल का पूरा। ये देखो आज जब हम लोग बाहर गए थे तो हमने लाया था चना हरा वाला, इसको और क्या बोलते है, छोलिया बोलते हैं। तो ये हरा चना मम्मी ने ना वो झाड़ में से निकाल दिया था, और अभी हम लोग उसका छिलका निकाल के उसको अलग रख रहे हैं। तो आप लोग हमेशा देखते होंगे कि हम लोग कुछ अच्छा अच्छा ही बनाते हैं, जैसे आपने हमारे कल के व्लॉग में देखा होगा, वो पूरे कम से कम 4-5 टाइप की सब्जी रोटी, उससे पहले आपने वो किस्सा डला देखा होगा, और उससे पहले भी पता नहीं क्या क्या हम बनाते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब बहुत दिन बहुत कुछ खा लिया जाता है ना, तो फिर एक दिन बहुत स्पेशल खाना बनता है, और उस खाने का नाम हमने रखा है डिश। तो आज हमारे घर में वो डिश बनने जा रही है। तो बेसिकली अब जब, अगर मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, जब डिश बन जाएगी तो मैं आपको सीधे अपनी डिश प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि बनाना उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत आसान है। तो यहाँ देखिए वो तैयारी भी, मैं नीचे नहीं दिखाऊंगा, बस यहाँ देखिए आप लोग वो डिश तैयारी भी हो चुकी है। तो बस अब मेरे ख्याल से वो ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं उसको बनने में। तो एक बार वो बन जाए उसके बाद हम आपको सीधे अपनी डिश से इंट्रोडक्शन कराएंगे, और आप लोग भी जब चाहें वो बना के खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी, वो ऑलवेज ऑल टाइम फेवरेट होता है, और मेरे ख्याल से सबका वो ऑल टाइम फेवरेट होगा भी। तो अब हम सीधे आपको अपनी डिश के साथ मिलते हैं। तो आपके सामने प्रेजेंट है हमारी बेहतरीन शानदार डिश। तो ये देख सकते हैं पराठे और चाय। तो हम जिस दिन ज़्यादा नहीं खाना वाना खाने का मन करता है, बहुत ज़्यादा खा लिया होता है या टेस्ट चेंज करना होता है, तो हम ये डिश बनाते हैं जिस डिश का कॉम्बिनेशन होता है पराठा और चाय। पापा ने थोड़ा हरा मिर्चा भी ले लिया और हरी चटनी हमारी पहले से थी तो वो थोड़ा सा ऐड कर लिया, वरना मेन जो डिश कॉम्बिनेशन है वो पराठा और चाय है। और बेसिकली यही हम खाते हैं जब हमें मन करता है कुछ ऐसा ना खाने का। और दूसरी डिश इनकी तैयार हो रही है, इनकी डिश में है ये आलू का चोखा बनाएंगी। तो उसके लिए आप देख सकते हैं सीटी लग चुकी है आलू की, प्याज, और ये देखिए ये इस पे फोकस कीजिए, ये फ्राई हो चुका है। तो अब ये आलू और चोखे को फ्राई करेंगी और राइस के साथ ये राइस और चोखा खाएंगे। तो ये दूसरी डिश हमारी, ये देख सकते हैं आलू का चोखा, इसमें भरा मिर्च
और सरसों का तेल, नमक, सूखी मिर्ची, भुनी हुई प्याज और ये चावल। तो इनका खाना है ये चावल चोखा और एक पराठा, जिसके लिए इनकी चाय भी तैयार है। तो अब ये भी अपना नाश्ता का खाना खाएंगी और फिर हम अपना एज यूजुअल थोड़ा तारक मेहता देखेंगे और शिव शक्ति देखेंगे और फिर हम सोने के लिए जाएंगे।